मैनेजिंग एंड बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चरल ग्रोथ जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो आप कह लें ये एग्रीकल्चरल सेक्टर पाकिस्तान के रेफरेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है दैट मे एक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन जे लेकिन हिस्टोरिकली हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज चेंज इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल सेक्टर जब हम बात करते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर तो ये बेसिकली रेफर कर रहे हैं कि इस, ओवर टाइम क्या हो रहा है उटपुट फिर यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ओवर टाइम देअ इज डिक्रीज इन इम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर जब हम बात करते हैं अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ओवर टाइम हम यहाँ पे एक चेंज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दीब्यूशन ऑफ इन दीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर अक्रॉस क्रॉप सेक्टर एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर क्या इनिशियली क्या था क्रॉप सेक्टर एक अ लार्जर कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू लाइफ स्टॉक लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके लाइफ स्टॉक सेक्टर इज मेकिंग ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन जी इन एग्रीकल्चरल जी डी पी एज कंपेयर टू क्रॉप सेक्टर लेकिन जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में बात करते हैं इट इज स्टिल दी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी हाँ जी ऐसा क्यों है कि जो आपके पास एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये अभी भी आपके पास सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है आफ्टर सर्विसेस इसकी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री परसेंट है इन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान लेकिन जो आपके पास शेयर टू आउटपुट एंड स्पेस्टिक्राइव टू ड्राइव टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप ओवर टाइम आप कह ये डिमिनिश डिमिनिश हो रही लेंगे डिक्लाइन हो रही है फिर इसी पैटर्न पे जो आपका शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर है जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये भी ओवर टाइम क्या हो रहा है इट इज इनिंग लेकिन एज इट इज द लार्ज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इकॉनॉमी इट शुड अचीव अ स्टडी ग्रोथ रेट टू प्रमोट अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जब आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो करेगा तो यह आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करेगा क्योंकि इट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट प्रोवाइड राटीरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर इट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट इज द मार्केट ऑफ प्रोडक्ट्स देट आर बींगर प्रोड्यूस्ड बाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर अब जब हम बात करते हैं कि लार्जर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जी डी पी अब पाकिस्तान में आप कह लें इट इज डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान सब्सटेंशियल तो एग्रीकल्चरल तो ग्रोथ, सबस्ते, ग्रोथ। जब तक आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तो आप कह लें ये रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा फॉर पाकिस्तान टू अचीव अ हाई ग्रोथ रेट फिर इसी पैटर्न पे अगर आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो ग्रोथ है इट आल्सो ग्रोथ ऑफ़ नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास स्लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट होगी तो इट कैन लीड टू रैपिड रूरल अर्बन माइग्रेशन जब रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो जो आपकी लेबर है इट विल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज जब ये माइग्रेशन होगी फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज तो ये क्या करेगा इट विल क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट अर्बन एरियाज फिर साथ साथ अर्बन कंजेशन भी होगी साथ में क्या होगा इट विल आल्सो लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब हम चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो जो आपके पास मेजर चैलेंज चैलेंज है इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट इज द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड रिसोर्स डिग्रेडेशन कि जी ओवर टाइम हम आप कह लें कि जो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी है दैट इज नॉट कम्पेटेबल विद अदर कंट्रीज इन द रीजन अगर हम पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन करें तो आप अगर मैं नाइनटी सिक्सटीज का इनका डेटा लूँ अबाउट मेजर क्रॉप्स के जब मैं व्हीट राइस शुगर केन और कॉटन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज क्रॉप इन चाइना एंड पाकिस्तान इज मोर लेस सेम लेकिन अगर मैं उसका कंपैरिजन आज के टाइम पीरियड के रेफरेंस में करूं तो वहां पे वी कैन ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट गैप इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट कॉटन शुगर इन चाइना इन चाइना जो प्रोडक्टिविटी गैप है दैट इज सिग्निफिकेंट बिटवीन दी इन दीज क्रॉप इन चाइना एंड पाकिस्तान फिर जब आपके पास एक और जो बड़ा आप कह लें चैलेंज होगा द एग्रीकल्चरल सेक्टर कि जो आपके पास अर्बन कंज्यूमर्स हैं दे डिमांड फॉर डाइवर्स फूड्स लेकिन जो आपका रूरल सेक्टर है दैट इज नॉ देट इज अट दैट देट है डायवर्सिफाइड फॉर्म्स तो ये सब हमें क्या रिक्वायर करता है इट रिक्वायर अ बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल इकोनोमी अब ये जो हाई ग्रोथ रेट है वी कैन अचीव दिस हाई ग्रोथ रेट बाई कैरिंग आउट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड वाटर, सॉइल एंड एनर्जी कि जो आपके पास आउटपुट है कि अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूं एग्रीकल्चर आउटपुट एज अ फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड मैनेजमेंट अब अगर मैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपरली यूटिलाइज करूंगा तो क्या होगा इट विल रिजल्ट इन ग्रोथ रेट अगर हम इनको एफिशियंटली यूज करेंगे इट विल रिजल्ट इन हाई ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट फिर एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं दैट इज द मार्केट कि मार्केट्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चरल ग्रोथ कि यहां पे वो शुड फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट जो भी पॉलिसीज आप एंड रेगुलेशन आप फॉर्मुलेट करो इन द गवर्निंग ऑफ द मार्केट्स फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट इस पैटर्न पे किया जाए कि वो आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रोथ की ग्रोथ इनहांस करे कि जिस पोज वहां पर अगर हम बात करें कि इफ इनपुट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड क्या होगा देर इज इंक्रीज इन दूस दो इंसेक्टीसाइड्सिडीज हो पे हो तो ये क्या करेगा इट विल मेक के फार्मर विल यूज एन ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ दीज इनपुट्स टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट फिर अगर वहां पे एक्सटेंशन सर्विसेज की प्रोविजन हो तो क्या होगा इट अगेन व समिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर टाइमली प्रोरमेंट प्राइस अनाउंस कर दो नेक्स्ट सीजन के लिए इस क्रॉप की ये तो वो भी क्या करेगा इट विल आल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ दैट एग्रीकल्चरल आउटपुट इन मार्केट फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर पॉलिसी मेकरस अबाउट द लैंड एंड यूर इश्यूज एंड रूरल एंटरप्राइज डेवलपमेंट टू एनकरेज ग्रोथ जब आप लैंड टून्य सिस्टम को जो आपके लैंड के, के आपके पास लैंड टेन्योर किस फॉर्म में है आपके पास टेनेंट फार्मिंग में शेयर क्रॉपर भी हैं आपके पास टेनेंट्स भी हैं अगर हम इनको प्रॉपरली रेगुलेट कर दें कि दिस इज द टाइम पीरियड फॉर शेयर क्रॉपर विल मेक अ कल्टीवेशन ऑन दिस पीस ऑफ लैंड और ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट है दिस दिस विल विल एक्सटेंड बी बी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड तो क्या करेगा इट विल मोटिवेट इन एंड टू यूज दिमल मैथड ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज भी हो जाए उसके साथ रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो तो ये जरूरी नहीं है कि इट विल क्रिएट इट विल रिड्यूस पॉवर्टी अब फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी क्या चीज इंपॉर्टी वहां पर रोल किस चीज का आएगा कि आपके जो रियल रूरल वेजेस है वहां पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है सबसे पहले तो हमें उसको कंट्रोल करना है आपके रियल रूरल वेजेसूड नॉट बी डिक्लाइन अगर वो डिक्लाइन नहीं होगी तो क्या होगा इट विल रिड्यूस रूरल पॉवर्टी फिर इसी पैटर्न पे अगर वहां पर आएंगे इट विल ऑल्सो रिड्यूस पॉवर्टी इन द रूरल एरिया फिर इसके साथ साथ अगर पब्लिक प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस हो जाए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर तो ये भी क्या करेगा इट विल ऑल्सो हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन पोअर सोसाइटीज में वुमेन को इंपावर कर दो तो इट विल आल्सो हैव सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी